अभी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट है 3। देखिए अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको फोटोसिंथेसिस लिखकर करना है, या कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक से संबंधित तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर सामने आपके। देखिए अपने बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, और पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रयोग बताया था जो किया था नीर नामक वैज्ञानिक ने। पूरा नाम है कार्नेलियस वॉन नील, ठीक है। 1931 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए इन्होंने अपना प्रयोग प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं पर किया, जो बैंगनी हरे बैक्टीरिया है उन पर किया, और उन्होंने ये देखा कि जो प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन दाता के रूप में किसे यूज करते हैं, किसे काम में लेते हैं, H2S, और जो प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया है उनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है, सल्फर है, न कि ऑक्सीजन, ठीक। जो समीकरण लिखी थी वो थी 2H2S प्लस CO2 इजिकल टू 2S प्लस CH2O, ठीक है, प्लस H2O। ये समीकरण लिखी थी। तो इस प्रयोग से मतलब एक तरफ अनुमान लगाया गया, एक तरह से अनुमान लगाया गया। अनुमान क्या था कि पहले जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है ना प्रकाश संश्लेषण में वो किससे आ रही है, CO2 से आ रही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इस बात का खंडन हो गया, ठीक है, या थोड़ा बहुत अनुमान लगा कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, ठीक, और यहाँ पर CO2 भी है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही है, ठीक। जैसा कि समीकरण में आपको पता चल रहा है यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, सल्फर, क्योंकि जो बैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया है उनमें हाइड्रोजन दाता कौन होता है, H2S होता है, ठीक। अब अपने हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स में हाइड्रोजन दाता कौन है, H2O है, और जो हायर प्लांट्स है उनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहां पर कौन सी गैस मुक्त होती है, O2, ठीक। तो देखिए ये जो प्रयोग है इस प्रयोग ने इस बात की ओर संकेत दिया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो CO2 से ना आकर किससे आती है, जल से आती है। क्योंकि अगर CO2 से आती तो यहाँ पर भी अपने को क्या मिलनी चाहिए थी, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर CO2 है। लेकिन यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है प्रकाश संश्लेषण में, सल्फर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दाता कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब हाइड्रोजन दाता जल हो तब कौन सी गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन, ठीक। ये मतलब अपने कह सकते हैं अनुमान लगाया था वैज्ञानिकों ने, या इस प्रयोग से इस बात की ओर संकेत मिल गया था कि जो ऑक्सीजन है वो जल से आ रही है। आगे देखिए एक बात और, यहाँ पर नील ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया था, नील ने ऐसा कुछ नहीं कहा, नील ने बस ये प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। नील की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था कि ऑक्सीजन जल से आ रही है, नहीं कि CO2 से, ऐसा कुछ नहीं है। नील ने तो बस प्रयोग किया था और बाद में खुद नील ने या अन्य वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया।
आगे देखिए, रॉबर्ट हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। रॉबर्ट हिल 1937, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक और अंधकार अभिक्रियाएं, तो रॉबर्ट हिल ने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया, उनका विस्तृत अध्ययन किया और यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली O2 जल के अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली O2 जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया? रॉबर्ट हिल ने। देखिए, इसके पश्चात रूबेन तथा कामेन आए। रूबेन तथा कामेन 1941 में आए थे ये दो वैज्ञानिक। इन्होंने O18 समस्थानिक के प्रयोग से यह प्रमाणित कर दिया। इन्होंने O18 समस्थानिक के प्रयोग से यह प्रमाणित कर दिया। क्या प्रमाणित कर दिया? कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली O2 जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है। देखिए, नील के प्रयोग से तो संकेत मिला था कि जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में, वो CO2 से ना आकर जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप या जल से आती है, ठीक। और ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण मुक्त होने वाली O2 जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है? यह दिया था रॉबर्ट हिल ने। नील के प्रयोग के फलस्वरूप तो संकेत मिला, लेकिन स्टेटमेंट किसने दिया? रॉबर्ट हिल ने। और इसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित किसने किया? यह किसने प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली O2 जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है? यह किया था रूबेन और कामेन ने 1941 में, ठीक। O18 समस्थानिक के प्रयोग से यह प्रमाणित कर दिया, ऑक्सीजन 18 समस्थानिक के प्रयोग से इन्होंने प्रमाणित कर दिया। देखिए आगे, केल्विन तथा बेंसन की बात करते हैं अपने। केल्विन तथा बेंसन 1948, इन्होंने CO2 से कार्बोहाइड्रेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में समझाया। इन्होंने CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को एक चक्र यानी साइकिल की सहायता से समझाया।
यानी अपने कह सकते हैं कि इन्होंने जो अंधकार अभिक्रियाएं हैं ना उनके बारे में बताया, अंधकार अभिक्रियाएं डायरेक्ट रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शंस और डायरेक्ट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हिल ने। और डायरेक्ट रिएक्शंस या CO2 से किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट बनता है इसके बारे में किसने बताया, केल्विन तथा बेंसन ने। कब बताया, 1948 में। देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग में C14 रेडियो समस्थानी का उपयोग किया, C14 रेडियो समस्थानी का उपयोग किया गया। इन्होंने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया, C14 रेडियो समस्थानिक का। ठीक, तो देखिए कई बार क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार होती है। ठीक, इसका पता लगाने में जिन दो समस्थानिकों का प्रयोग किया गया वो कौन से हैं, तो सामने लिखे हुए दो ही है, O18 और C14। ठीक, C14 का उपयोग क्यों किया गया, ताकि अपने को ये पता चल सके या वैज्ञानिकों को यह पता चल सके कि जो CO2 है ना उसका भविष्य क्या है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, आपको पता है कि CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसको प्रमाणित कैसे किया गया या किस समस्थानी का प्रयोग करके इसको प्रमाणित किया गया, C14। देखिए, CO2 से क्या होता है, जो CO2 है उसका जो भविष्य है वो तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि एक ही रिएक्शन में CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस से पॉलीकोमल बनता है तो आपको पता है कि बीच में बहुत सारी मध्यवर्ती यौगिक बनती है, इसी प्रकार CO2 जो है उसकी क्रिया किसी अन्य पदार्थ से होगी। ठीक है, कोई पहला मध्यवर्ती बनेगा, फिर दूसरा मध्यवर्ती बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, इस तरह चल के अंत में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो वो मध्यवर्ती कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले CO2 किसके साथ क्रिया करती है और फिर क्या बनता है। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या बनता है, कौन कौन से बीच में मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, ये सब पता किससे लगा, इस समस्थानी के प्रयोग से। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो CO2 का भविष्य है ना, या आप कह सकते हैं कि किस प्रकार CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है, यह जो अध्ययन है वो किसकी सहायता से हुआ या अपने को इस बारे में कैसे पता चला, C14 रेडियो समस्थानी के प्रयोग से। आगे देखिए, केल्विन को नोबेल प्राइज भी मिला था अभी 1961 में। नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे है आर्नन, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। इन्होंने प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज की। इन्होंने किस बारे में बताया, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में बताया। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है, लाइट की उपस्थिति में ATP का बनना। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, अभी क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। आगे अपने दो प्रकाश तंत्र पढ़ेंगे, दो प्रकाश तंत्र, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। ये जो प्रकाश तंत्र है ये क्या होते हैं वो तो अपने आगे देखेंगे। ठीक, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रकाश तंत्र की जो भूमिका है या जो प्रकाश तंत्र का जो महत्व है, जो रोल है, वो किसने बताया था, आर्नन ने। तो प्रकाश तंत्र ये जो टॉपिक है वो अपने आगे आएगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। ठीक, ये होते क्या है वो भी देखेंगे।
और इनका रोल क्या है वो भी देखेंगे। इनका जो रोल है वो बताया किसने था कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तंत्र ये काम करते हैं, करते क्या वो देखेंगे आगे, लेकिन ये बताया किसने, आर्नन ने। ठीक, अगला टॉपिक है अपने प्रकाश संश्लेषण का स्थल। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। आपको बताइए कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है। अब ये देखिए हरित लवक कहां पर मिलते हैं, जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो मेसोफिल सेल्स है, हिंदी में कहते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट मिलते कहां पर है, पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का स्थल। पत्तियों के अलावा पादप के तो अन्य हरे भाग है, जैसे अगर मान लीजिए स्टेम भी आपको हरा दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होंगे। अगला टॉपिक अपना हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना अगला टॉपिक है। अभी अभी देखिए अब अपने बात करते हैं हरित लवक की संरचना की। डायग्राम आपके सामने बना रखा है, देखिए उच्च श्रेणी के पादपों में हरित लवक डिस्क नुमा या लेंस के समान आकृति के होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप है उनमें हरित लवक डिस्कनुमा या लेंस की आकृति के, लेंस की आकृति के होते हैं। यानी हरित लवक की संरचना क्या होगी, ये जो आप प्लांट देख रहे हो बाहर इनमें डिस्कनुमा या लेंस ठीक के जैसी। देखिए ये व्यास में 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास यानी डायमीटर 4 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं तथा मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर, मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक, व्यास में 4 से 10 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर। देखिए जो हरित लवक है वो दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, हरित लवक दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। भी ये बाहरी झिल्ली होगी ठीक, और ये आंतरिक झिल्ली होगी, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, और दोनों झिल्लियों के मध्य है, बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली और दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस मिलेगा, स्पेस का मतलब ऐसा नहीं है खाली जगह, स्पेस का मतलब वहाँ कोई ना कोई फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक, तो जो स्पेस मिलेगा उसको कहते हैं अपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस,
या पेरिप्लास्टिक डीएनए स्पेस, ठीक है, पेरिप्लास्टिक डीएनए स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे देखिए, ये जो झिल्लियाँ हैं ना, ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स की, लिपिड प्लस लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की, यानी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। बाहरी झिल्ली अधिक मार्ग में होती है भी, जो बाहरी झिल्ली है वह क्या होती है, अधिक पारगम में, ठीक, जो बाहरी झिल्ली है उस पर प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होते लेकिन अपने सूक्ष्म में कह देते हैं, प्रोटीन से निर्मित या प्रोटीन से निर्मित बाहरी झिल्ली जो होगी वहाँ पर प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को कहते हैं पोरींस। ये इम्पोर्टेंट है, अभी कई बार आया हुआ है पोरींस, ठीक। ये जो पोरींस है, ये तो आपने देख लिया किस में मिलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी बाहरी झिल्ली में उपस्थित होते हैं पोरींस, एक माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में भी उपस्थित होते हैं, और एक बैक्टीरिया की जो झिल्ली होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर भी उपस्थित होते हैं ये सूक्ष्म छिद्र जो प्रोटीन द्वारा निर्मित है। आंतरिक झिल्ली कम पार्ग में होती है भी, आंतरिक झिल्ली कम पारगम में, ठीक। आगे देखिए, दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश मिलता है उसको मैंने बता दिया, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे देखिए, अरिथलवक का आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग, अरिथलवक का आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, ठीक। ये आंतरिक झिल्ली है, ठीक, और ये जो भाग है ना जो आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ है, इसको अपने कहेंगे स्ट्रोमा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं है ना, वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है भी, जो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, जो अंधकार अभिक्रियाएं हैं, वो किस भाग में संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग में। अंधकार अभिक्रियाओं का मतलब क्या है, अनेक बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी जिसके फलस्वरूप CO2 का अपचयन होगा, ठीक है, और अंत में क्या बनेगा, शुगर बनेगी। यानी अंधकार अभिक्रियाओं में क्या होगा कि CO2 का अपचयन होता है, ठीक, कई रिएक्शंस होती है, सभी रिएक्शंस में अपचयन नहीं होता, कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जहाँ पर CO2 का अपचयन होगा, ठीक, अनेक मध्यवर्ती बनेगी बीच में और अंत में क्या बनेगी, शुगर। ये होती है डायरेक्ट रिएक्शंस जहाँ पर CO2 का अपचयन होकर क्या बनती है, शुगर, और ये कहाँ पर होता है भी, स्ट्रोमा भाग में।
आगे देखिए, स्ट्रोमा भाग में झिल्ली से निर्मित, स्ट्रोमा भाग में झिल्ली से निर्मित, स्ट्रोमा भाग में झिल्ली से निर्मित चपटी थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। चपटी थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें थैलेकोइड्स या पटलिकाएं कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, थैलेकोइड्स या पटलिकाएं। ठीक, जब ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित हो ना, तो इस प्रकार बनी संरचना को ग्रेनम कहते हैं। जब ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक, यानी जैसे सिक्के होते हैं, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा, इस प्रकार जब ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होती है, सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होती है, तो इस प्रकार बनी संरचना को अपने क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये देखिए, ये ग्रेनम है। ठीक, यहाँ पर ये रही ग्रेनम, जो एक जो स्ट्रक्चर है ना, या जो एक ढेरी है, ठीक, किस प्रकार बनी है, जो पटलिकाएं हैं वो एक के ऊपर एक सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होगी। तो यहाँ पर ये पटलिकाएं हैं भी, एक पटलिका, दूसरी पटलिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह, और ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो गई है। तो इस प्रकार एक ढेरी को अपने कहेंगे ग्रेनम, और एक से ज़्यादा हो तो ग्रेना, यानी ग्रेनम और ग्रेना एक ही बात है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, एक है तो ग्रेनम, एक से ज़्यादा है तो ग्रेना। ठीक, जैसे मान लीजिए ये अपनी पटलिकाएं हैं, ये अपनी क्या है, पटलिकाएं हैं, थैलेकोइड्स हैं, और ये एक के ऊपर एक इस तरह ढेरी के रूप में व्यवस्थित हो गई, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या कहेंगे अपने, ग्रेनम। ठीक, तो पटलिकाएं एक के ऊपर एक सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होकर क्या बनाती है, ग्रेनम बनाती है, यानी जो एक ग्रेनम है ना उसमें अनेक पटलिकाएं व्यवस्थित रूप में पाई जाती है। ठीक, एक ग्रेनम में अनेक पटलिकाएं व्यवस्थित रूप से पाई जाती है, और सामान्यतः हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं, 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। एक हरित लवक में सामान्यतः कितने ग्रेना मिलते हैं, 40 से 60, यहाँ पर कितने दिखाई हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 40 के, लेकिन नॉर्मली मिलते हैं 40 से 60। ठीक, अब देखिए, पटलिकाओं की सतह पर पर्ण हरित एवं अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जो पटलिकाएं हैं, यानी जो थैलेकोइड्स हैं, पटलिकाओं की सतह पर पर्णरहित एवं अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक,
एक बात और है कि जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, जो अप्रकाशिक या अंधकार अभिक्रियाएं हैं, वो तो आपको पता लग गई होगी कि स्ट्रोमा भाग में होती है। मैंने बताया भी है कि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं स्ट्रोमा भाग में होती है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो कहां पर संपन्न होती है? भी ग्रेना भाग में संपन्न होती है। जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो कहां पर संपन्न होगी? ग्रेना भाग में। यानी प्रकाशिक अभिक्रियाएं ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक स्ट्रोमा भाग में। प्रकाशिक अभिक्रियाएं है क्या, ये अप्रकाशिक क्या है, वो अपने आगे देखेंगे। अब आगे देखिए कि जो दो ग्रेना है वो आपस में एक नलिकाकार संरचना से जुड़े रहते हैं। जैसे दो ग्रेना मान लीजिए, ये दो ग्रेना ये ले लीजिए, ठीक है, ये दो ग्रेना ले लीजिए आप, एक दो, ये दो हो गए। ये दोनों ग्रेना आपस में एक नलिकाकार संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये एक्चुअल में पटलिका ही है। एक्चुअल में क्या है? ये पटलिका ही है, ठीक। और इसको कहते हैं अपने स्ट्रोमा पटलिका। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा पटलिका। तो आप इसको ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड एक है तो स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ठीक। तो जो दो ग्रेना है आपस में एक नलिकाकार संरचना से जुड़े रहते हैं, जिसको अपने कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका, स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ठीक है। तो दो तरह की थाइलेकोइड होगी। यहाँ पर मिलने वाली जो थाइलेकोइड है ना, ये एक दो तीन इस तरह, ये जो थाइलेकोइड है ये कौन सी है? ये थाइलेकोइड है ग्रेना थाइलेकोइड। क्या है? ग्रेना थाइलेकोइड, ठीक, ग्रेना थाइलेकोइड। और ये क्या है? स्ट्रोमा थाइलेकोइड। आगे देखिए, जो पटलिकाएं हैं, पटलिकाओं की सतह पर प्रकाश संश्लेष इकाइयां पाई जाती है। पटलिकाओं की सतह पर, चाहे वो ग्रेना थाइलेकोइड हो चाहे स्ट्रोमा थाइलेकोइड हो, ठीक, पटलिकाओं की सतह पर क्या मिलती है? प्रकाश संश्लेष इकाइयां मिलती है। ये भी देखते हैं क्या है। पटलिकाओं यानी थाइलेकोइड्स, पटलिकाओं की सतह पर क्या मिलती है? अभी प्रकाश संश्लेषी इकाइयां, ठीक। पारक एवं पान, पारक एवं पान, पारक एवं पान ने इन इकाइयों को क्वांटोसोम कहा। क्या कहा? क्वांटोसोम। पारक एवं पान ने इन इकाइयों को क्वांटोसोम नाम दिया। एक क्वांटोसोम में लगभग 200 से 230 पर्णहरित अणु उपस्थित होते हैं। एक क्वांटोसोम में 200 से 230 पर्णहरित अणु संगठित या व्यवस्थित होते हैं, ठीक, एक क्वांटोसोम में। इसके अलावा 50 अणु कैरोटेनॉइड्स के भी मिलते हैं, 50 अणु कैरोटेनॉइड्स के भी मिलते हैं। कैरोटेनॉइड्स ये भी एक वर्णक है, भी एक प्रकार का, जिस प्रकार पर्णहरित वर्णक है उसी प्रकार कैरोटेनॉइड, जो कैरोटेनॉइड्स है वो भी वर्णक ही है। तो जो प्रकाश संश्लेषी इकाइयां हैं उनको अपने क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम टर्म किसने दी? पारक एवं पान ने। और एक क्वांटोसोम में पर्णहरित के तो 200 से 230 अणु मिलते हैं,
और कैरोटीनॉइड्स के 50 अणु मिलते हैं। ठीक, देखिए ये जो क्वांटोसोम ये करता क्या है, इसका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मतलब यह एक इकाई है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। देखिए एक इंडिविजुअल पिगमेंट यानी केवल एक अणु वर्णक का कोई एक अणु प्रकाश ऊर्जा को ऑब्जर्व करने में और बाद में वो यूटिलाइज हो सके ऐसा सिस्टम नहीं होता। कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई अणु है वर्णक का, ये अकेला प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, अगर कर भी ले तो वो काम में नहीं आएगी। अनेक वर्णक अणु मिलकर एक इकाई बनाते हैं और वो इकाई फंक्शनल होती है। ठीक, आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये एक वर्णक अणु है, ठीक, यह एक वर्णक अणु है, हाँ यह हो सकता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन यह फंक्शनल नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, कई वर्णक अणु मिलकर एक इकाई बनाएंगे और इस इकाई को अपने क्या कहते हैं, क्वांटोसोम, और यह फंक्शनल होगी, यह तो फंक्शनल नहीं होगी। ठीक, एक सिंगल जो वर्णक है, एक सिंगल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वर्णक अणु है, हो सकता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा। यहां पर क्या है कि अनेक वर्णक अणु मिलकर एक इकाई बनाते हैं और वह इकाई ठीक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है और यह फंक्शनल होती है, मतलब इससे आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर एक वर्णक का कोई महत्व नहीं है। हाँ, वर्णक अनेक वर्णक मिलेंगे और एक इकाई बनेगी, उसका महत्व है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, और वो कौन है, क्वांटोसोम है। ठीक, क्वांटोसोम का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी ये इकाई है ना, यही वास्तव में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगी। इस इकाई का महत्व है, इस पूरी की पूरी इकाई का महत्व है। इस इकाई में जो एक पर्टिकुलर पिगमेंट है, ठीक, उसका रोल तो है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पर ये जो इकाई है क्वांटोसोम, जिसमें कई वर्णक अणु हैं, जैसे 200 से 230 पनीरित की और 50 अणु कैरोटीनॉइड्स के, यह फंक्शनल है। ठीक, तो क्वांटोसोम का मतलब क्या हो गया कि वर्णकों का समूह है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, यह फंक्शनल यूनिट है। ठीक, एक अकेला वर्णक अणु फंक्शनल नहीं होता। आगे देखिए, जो स्ट्रोमा भाग है ना, उसमें कुछ और चीजें भी मिलती है, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल है यानी डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल यानी इसमें सर्कुलर डीएनए मिलता है, ये सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा राइबोसोम्स भी मिलते हैं 17 प्रकार के। इसके अलावा आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा खनिज भी पाए जाते हैं रितलवक में, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये कुछ मिनरल्स है, ये भी रितलवक में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन है, जैसे कि विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी स्ट्रोमा भाग में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना रितलवक। अब यहाँ पर देखिए, ये दो स्ट्रक्चर आपको और भी दिखाई दे रही होगी, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, यानी जो स्टार्च की जो कणिकाएं हैं। इसके अलावा ये तेलीय बूंदे हैं, लिपिड की बूंद है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये भी मिलती है। तो ये अपना हो गया रितलवक की संरचना। इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल।